हेलो एवरीवन, वी आर बैक विथ अनदर वीडियो। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। हमने इसके जो हमारे जो चैप्टर सेकंड है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके हमने पार्ट्स ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। आज जो मैं पार्ट कंटिन्यू कर रहा हूँ, दैट इज़ प्रैक्टिस सेट 2.3। हमने प्रैक्टिस सेट 2.2 और 2.1 ऑलरेडी अपलोड कर दिया, जहाँ पे हमने बहुत ज़्यादा बेसिक से हर एक क्वेश्चन को डील किया था। तो उसी तरह से हम यहाँ का भी प्रैक्टिस सेट डील करेंगे। तो हमने देखा था बेसिकली इन चैप्टर्स में हम क्या कर रहे हैं। इन चैप्टर्स में हम एक्स की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो हमारे लिए एक्स की वैल्यू निकालने के लिए बहुत सारे मेथड हैं, जैसे कि हमारा फर्स्ट चैप्टर में बहुत सारे मेथड थे, तो वो हमने वहाँ पे देखा था। अब सेकेंड चैप्टर में हमारे इसी तरह एक्स की वैल्यू निकालने के लिए बहुत सारे मेथड। तो एक है फैक्टराइजेशन मेथड, एक है स्क्वायर मेथड, और एक है हमारा फॉर्मूला मेथड। तीनों अपनी अपनी जगह पे इजी हैं, तीनों अपने जगह पे टफ रहते हैं। अगर बहुत बड़ा नंबर होता है फैक्टराइजेशन का, फिर हमको थोड़ा इशू हो जाता है। फॉर्मूला मेथड में प्लस माइनस का इशू होता है, स्क्वायर मेथड में स्टेप का इशू होता है, स्टेप याद नहीं रहते सबको। ठीक है, तो यही हमको पढ़ना है। तो स्टार्ट करता हूँ मैं 2.3 से। 2.3 में जो हम पहले करेंगे वो क्वेश्चन का, उसके पहले मैं बेसिक आपको रूल बता दूँ कि हम कैसे इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। अगर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो आपको बेसिक तीन चार स्टेप फॉलो करने होंगे जो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर समझिए ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x-5 टाइप का कोई क्वेश्चन है, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो पहले आपको क्या चेक करना है कि एक्स एक्स स्क्वायर वाले जो हमारा वेरिएबल है, जो टर्म है, उसका कोएफिशिएंट शुड बी वन, एंड इफ नॉट मेक इट वन। कैसे? देखिए हमारे केस में यहाँ पे क्या है, वन तो ऑलरेडी है। अगर किसी केस में समझे 9m² रहता प्लस 3m इक्वल -5 = 0 रहता, मैं क्या करता, यहाँ पे पहले पूरे इक्वेशन को 9 से डिवाइड करता, तो मुझे आंसर क्या मिलता है, m² + 3/9m - 5/9 = 0। मुझे कुछ भी करके इसे वन करना ही है, अगर मैं स्क्वायर मेथड को इजिली करना चाहता हूँ बिना अटके हुए। तो आपको ये बात याद रखनी है कि पहला रूल क्या है कि आपको x² वाले टर्म का, और स्पेसिफिकली रहे कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर वाले टर्म का। यहाँ पे मैं एक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, ये अलग टर्म है, ये अलग टर्म है, तो मैं एक्स स्क्वायर वाले की बात कर रहा हूँ। दूसरा, जो एक्स वाले टर्म्स होंगे उन्हें लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे इक्वल के, एंड कांस्टेंट को राइट हैंड साइड में रखेंगे। जैसे कि हमारा फाई कांस्टेंट है और ये हमारे एक्स वाले टर्म है, तो ये इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड पर होना चाहिए और ये राइट हैंड साइड पर होना चाहिए। इसे कैसे लिख सकते हैं, एक्स x² + 3x 5 को अब यहाँ भेज दीजिए = 5। ये हमारा फॉलो करना, हमेशा एक्स वाला एक साइड होगा या एम वाला एक साइड, या हमारा जो भी वेरिएबल है वो एक साइड होगा और कांस्टेंट एक साइड होगा। थर्ड टर्म, आपको एक ए की वैल्यू निकालनी होगी, ये मैं बता सकता हूँ कहाँ से आना है, लेकिन आपको मैं सिर्फ प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ। अगर आपको बेसिक भी चाहिए कि आपको बेसिक बताएं, तो आप उसे कमेंट सेक्शन में बता देना, तो हम इस हिसाब से वीडियो में डिस्कस करना भी उसे शुरू कर देंगे। अदरवाइज अभी तक वैसा कुछ आया नहीं है कमेंट, तो मैं कंटिन्यू करता हूँ। आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस सेट से स्टिक होते जाऊंगा, और वहाँ प्रैक्टिस सेट में जो बेसिक्स बताना है वो बताऊंगा। सो ए क्या होता है, 1/2 × x वाले टर्म का कोएफिशिएंट, ये ब्रैकेट में डालेंगे, और इनटू इसका स्क्वायर। ठीक है, देखिए जैसे कि यहाँ पे हमारा एक्स वाला टर्म क्या है, इसका कोएफिशिएंट 3 है, तो यहाँ पे लिखता हूँ 1/2 × x का कोएफिशिएंट है 3, ये सबका होल स्क्वायर कर लेंगे, सो 3/2, और इसका हो जाएगा 9/4। तो ऐसे आपको एक टर्म निकालना है ए करके। ये इम्पॉर्टेंट स्टेप है, यही क्वेश्चन का सबसे बेसिक स्टेप है, ये आपको फॉलो करना है। ठीक है, अब चौथा क्या होता है, ये जो टर्म निकाला है आपने, ये आपको इक्वेशन में दोनों साइड ऐड करना होता है, ये इक्वेशन में दोनों साइड ऐड करना होता है। एक बार ऐड कर लिए तो उसके बाद क्या होता है, जैसे कि x² + 3x + 9/4 कर दिए और +5/4 कर दिए, ये कर लिए, तो इसको सॉल्व करके यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, 9 लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको स्क्वायर मेथड बोला है ना, स्क्वायर मेथड नाम कहाँ से आया आपका, ये स्क्वायर करना पड़ेगा इस इक्वेशन को। तो कैसे स्क्वायर करूंगा मैं, ये देखिए, इसको यहाँ पे एक्स है तो एक्स लिख लूंगा,
यहाँ से प्लस है तो प्लस लिख लूंगा, और एक नंबर मुझे और लिखना है तो वो नंबर मैं कहाँ से लिखूंगा, जो मैं स्क्वायर कर रहा था ना यहाँ पे जो स्क्वायर कर रहा था, उसके स्क्वायर करने से पहले वाला जो नंबर है, जो फाइनल आंसर आया था जिसका मैं स्क्वायर करने वाला हूँ बिना कटपिट के, उसे यहाँ पे लिख लेना है। देखिए अगर ये वाला स्टेप आप क्रैम कर लेते हो कैसे भी, तो आपका फिर हो गया, और होल स्क्वायर लिख लेना यहाँ पे, ध्यान रखना है आपको। फिर से लिख देता हूँ इसे इरेज करके, क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, मुझे दिया गया है एक्स, दिया गया है तो एक्स लिखूंगा, प्लस का साइन है प्लस लिखूंगा, और थ्री नहीं लिखना है यहाँ पे, ये जो मैं स्क्वायर करने से पहले लिख रहा था उसे लिखना है, 3/2 का ये पूरे का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 9। बस यहाँ तक मेरा अगर आप अंडरस्टैंड कर लेते तो आपका मस्त का ये एक्सरसाइज। सब लोग को जो दिक्कत आती है वो 2.3 एंड 2.6 में आती है, जो वर्ड प्रॉब्लम है। 2.3 का एक ही इशू है, स्टेप याद नहीं रहते सबको। अगर आप ये 4 स्टेप याद रखते हो आपका काम हो जाएगा, आपको अच्छे मार्क्स एग्जाम में मिल जाएंगे। अगर आपको फैक्टराइजेशन मेथड ना बोल के डायरेक्टली क्वेश्चन बोले कि आपको सॉल्व करना है बाय स्क्वायर मेथड, तो स्क्वायर मेथड आपको करना ही पड़ेगा, आप छोड़ के नहीं जा सकते। जिनको आउट ऑफ आउट हिट करना है मैथ्स में, उनको आउट ऑफ आउट सिलेबस भी करना पड़ता है, टोटल सिलेबस करना पड़ता है। तो स्क्वायर मेथड का नाम ये स्क्वायर वाले टर्म से आता है कि आपको स्क्वायर करना पड़ता है इसमें। तो ये कहाँ से स्क्वायर करने का तरीका मैंने बताया था कि कैसे बताया था, वो सब आपको फॉलो करना है। अब मैं क्वेश्चन में आपको बार 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 रिपीट करते करते याद करा दूंगा ये सब मैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -20 इक्वल्स टू 0। तो मैं क्या करूंगा, पहला जो मेरा स्टेप था कि हम एक्स का कोएफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट देखेंगे कि 1 है कि नहीं, यहाँ पे हमारे केस में लकीली है। तो अब दूसरे स्टेप की तरफ चलेंगे कि क्या हमारा जो एक्स वाला टर्म है वो लेफ्ट हैंड साइड में है और हमारा जो कॉन्स्टेंट राइट हैंड साइड में है, नहीं है। तो कर लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -20 को सिर्फ वहाँ भेज देता हूँ तो इक्वल टू 20 हो जाए। इसे नाम दे दूंगा इक्वेशन 1 का। ये इक्वेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी में मुझे ऐड करना था, चाहिए तो आप इसे बॉक्स कर लेंगे। ठीक है, ये मैंने कर लिया, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है, थर्ड मैंने बोला था आपको ए निकालना है, ए इक्वल्स टू 1/2 लिख के इंटू एक्स का कोएफिशिएंट, हमारे केस में एक्स का कोएफिशिएंट 1 है, का होल स्क्वायर करना है। तो ये 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ऐसे लिखना है आपको स्क्वायर। अब फाइनल 1/4 हो गया। अब ये 1/4 को क्या करना है, 1 में ऐड करना है जो हमने 1 में लिखा था। तो लिख लेते हैं एडिंग 1/4 इन इक्वेशन 1 ऑन बोथ द साइड, ऑन बोथ साइड। तो क्या हो जाएगा, x² + x + 1/4 लिखूंगा एंड इक्वल टू 20 + 1/4। तो इसे तो मैथ सही, इसका अपॉन वन, इसे तो अलग से सॉल्व करना है इस चीज को, यहाँ का कोई टेंशन नहीं है। अब मैंने 1/4 यूज कर लिया, ठीक है, हर एक चीज यूज होगा। अब मुझे क्या करना है, स्क्वायर मेथड से स्क्वायर लगाना पड़ेगा। यहाँ से एक्स का एक्स लिख लूंगा, कलर चेंज करता हूँ आप लोग की सहूलियत के लिए, प्लस है तो प्लस लिखूंगा। अब मैंने क्या बोला था यहाँ पे आपको, ये इसके स्क्वायर होने के पहले वाला स्टेप, सो 1/2 लिख के होल स्क्वायर इक्वल्स टू, इसमें हम जानते हैं इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें, इसका मल्टीप्लिकेशन में, इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें, ये जनरली सभी बच्चे करते हैं, लेकिन ये तरीका कभी कभी बड़ा नंबर दे देता है, लेकिन चलेगा, आप लोग अभी तक ये लेवल पे कर सकते हो। तो 1 × 1 20 × 4 प्लस हो जाएगा बीच में, और 1 × 4 यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, x + 1/2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 80 + 1 81/4। अब क्या होगा, अब मेरे को एक्स की वैल्यू निकालनी, एक्स की मुझे पावर निकालनी, मतलब एक्स का वैल्यू कितना वो। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये एक्स के दोस्त हैं, ये जो स्क्वायर है वो भी एक्स का दोस्त है, ये हाफ है। तो हमें क्या करना है, एक्स की औकात पता करना, उसकी वैल्यू कितनी है मार्केट में। अगर कोई इंसान को समझे, जैसे कि कोई एक एक्स इंसान है तो उसके साथ बहुत सारे उसके दोस्त जुड़े होते हैं, प्लस उसको बचाते रहते हैं, लेकिन हमें एक्स की पावर कितनी है, अगर उसको दोस्त हटा दिए जाएँ, उसका हमें कोई पावर हटा दिया जाए कि उसका जो ताकत है वो, तो तब हमें पता चलता है कि एक्स कितना बड़ा इंसान है। इसी तरह से आपको ये याद रखना होता है कि एक्स की वैल्यू निकालने के लिए आपको उसके साथ अटैच सारे टर्म को हटाना रहता है, तो हमें रियल में उस इंसान की हैसियत का पता लगता है। तो पहले कैसे हटाते हैं, पहले ये जो दोस्तों की एक्स और एक्स के दोस्तों की मिली जुली पावर है स्क्वायर की, वो हटाना है मुझे, ठीक है। वो पावर कैसे हटाएंगे, दोनों साइड का स्क्वायर रूट करने पे, स्क्वायर रूट ऑफ बोथ दी साइड करूंगा,
बोथ दी साइड, तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ का स्क्वायर हट जाएगा, इन दोस्तों का जो रक्षा कवच था वो हट गया, और 81 + 4 ये स्क्वायर रूट में आ जाएगा। तो 81 का स्क्वायर रूट पता है हमें, हाँ पता है 9, और यहाँ पे जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस भी लिख लेते हैं। एक सेकेंड अच्छे से लिख लेता हूँ। एक्स प्लस 1/2 ये स्क्वायर देखिए यहाँ पे से गायब हो गया, यहाँ पे कुछ नहीं, कुछ प्लस माइनस हो जाएगा 81/4। अच्छा ये प्लस माइनस क्यों लेते जब स्क्वायर रूट लेते, जैसे देखिए अगर 36 है, 36 का अगर हम -6 का स्क्वायर करें तो भी 36 आता है, और 6 का स्क्वायर करें तो भी 36 आता है। अब उल्टा करता हूँ, 36 का स्क्वायर रूट लेता हूँ तो पॉसिबल है कि नहीं, वो -6 भी हो सकता है और +6 भी तो हो सकता है, क्योंकि 36 हमने देखा था, -6 भी दिया था और 6 भी दिया था, तो हमको क्या है मैथ्स में एग्जैक्ट चाहिए, तो हमें पता नहीं होता कि 6 वाले वैल्यू का ये स्क्वायर था या -6 वाले का, इसलिए हम प्लस माइनस लेते हैं हमेशा मैथ्स में, तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। तो चलते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ, सॉल्व करते हैं। तो 81 का स्क्वायर रूट मुझे पता है कि नहीं, पता है प्लस और माइनस 9, और 4 का होता है 2, और ये एक्स प्लस 1/2 ऐसे लिखूंगा। अब मैं एक्स के अभी भी उसके दोस्त जुड़े हुए हैं उसके साथ, उन दोस्तों को वहां भेज दूंगा, उससे दूर कर दूंगा, तो दूर भेज के क्या इक्वल के वो साइड, तो ये जो इसके लिए यहाँ पे जुड़ के थे वहां से नफरत, अभी यहाँ पे जाएंगे तो नफरत भेजेंगे। एक्स इक्वल टू माइनस हो जाएगा, साइन चेंज, प्लस माइनस 9/2। तो एक बार इसे जो ये पूरा वैल्यू है इसे प्लस में लिख लूंगा, ये देखिए यहाँ पे प्लस माइनस का साइन दिख रहा है, तो एक बार इसे प्लस में लिख लूंगा और एक बार माइनस में। एक्स इक्वल्स टू -1/2 +9/2, और एक्स इक्वल्स टू -1/2 -9/2, तो यहाँ से हो जाएगा इनका बेस सेम है, तो 2 - 1 + 9 दैट इज 8/2, और 8/2 का आंसर होता है 4, तो एक्स का आंसर आया 4। इसी तरह से एक्स इक्वल्स टू 2 लिख लूंगा, -1 - 9, सो एक्स इक्वल्स टू -10/2, कट करूंगा -5, तो एक्स का एक आंसर क्या है -5 है, अगर नहीं दिख रहा तो यहाँ लिख देता हूँ। तो इस तरह से हमें स्टेप का पूरा आंसर आ गया। ये अगर आप ये सब स्टेप फॉलो करते हो आपको डेफिनेटली आपके एग्जाम में मार्क्स पूरे मिलेंगे आपको, और कोई भी स्टेप आपका गलत अगर नहीं होता, क्योंकि इस बच्चे दिक्कत कहाँ करते हैं, देखिए मैं मार्क कर देता हूँ इसे, एक दिक्कत करते हैं वो ये नंबर लिखने में, यहाँ पे गलती करते हैं, और दूसरा यहाँ पे ये शिफ्टिंग जब करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारी मिस्टेक करते हैं, तो ये आपको मैं बता रहा हूँ कि मिस्टेक होने के चांसेस आपके कहाँ हैं। ये क्वेश्चन में मल्टीपल जगहें रहते हैं, जैसे कि अब यहाँ पे अगर ये चेक नहीं करते कि यहाँ पे 1 है, ऐसा कोड किसी भी बुक में या किसी भी ऐसे यहाँ पे बताते नहीं है, लेकिन ये हम लोग शेयर कर रहे हैं कि हम लोग जैसे करते थे या जैसे हमने बच्चों को करवाया वो मेथड आपसे शेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसी तरह से। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है x² + 2x - 5। x² + 2x - 5 = 0। तो मुझे क्या देखना है, x का मेरा x² का मेरा कोएफिशिएंट 1 है कि नहीं है, मेरे केस में 1 है। फिर देखना है कि x वाले टर्म लेफ्ट हैंड साइड में और कांस्टेंट राइट हैंड साइड में, तो इसे करना पड़ेगा, तो इसे यहाँ भेजना पड़ेगा, तो x² + 2x = 5 हो जाएगा। तो इसे मैं अपना ब्रैकेट कर लूंगा, इसे नाम दे दूंगा इक्वेशन 1 का। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, ए की वैल्यू, थर्ड स्टेप ए की वैल्यू निकाल, तो 1/2 लिख के इनटू एक्स का कोएफिशिएंट, एक्स का x² नहीं, यहाँ पे क्या है 2, सो ये ऊपर नीचे हैं तो इनको कट कर दूंगा, तो यहाँ पे से आएगा 1 का होल स्क्वायर एंड दैट इज 1। नाउ एडिंग इन इक्वेशन 1 ऑन दी बोथ द साइड, ऑन बोथ साइड क्या मिलेगा, x² + 2x + 1 ये ऐड करते हैं, और इसके नीचे लाइन में ये यूज करते हैं हम लोग, और क्या हो जाएगा 5 + 1। अब क्या होगा, इसको मुझे स्क्वायर करना पड़ेगा, स्क्वायर तो लिखूंगा x, यहाँ से x, यहाँ से प्लस, अब तीसरा नंबर मुझे यहाँ से मिलता है, तो यहाँ पे 1 ही है, तो 1 का होल स्क्वायर, 5 + 1 होता है 6। अब मुझे x की औकात निकालनी है, तो यहाँ से ये स्क्वायर रूट दोनों का ले लूंगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड, बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा x + 1 = +और -√6 रहेगा कि नहीं,
रूट सिक्स का हमको कुछ पता नहीं है तो उसे ऐसे ही रखेंगे। तो यहाँ से अब हम प्लस वन को वहाँ भेज देंगे, एक्स इक्वल्स टू माइनस वन प्लस और माइनस रूट सिक्स, एक बार प्लस में लिख लेंगे और एक बार माइनस में, आ गया आपका आंसर। देखिए अगर आपको स्टेप याद है तो इत्तु से इसमें हमारा ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ठीक है, आप इसे रूट सिक्स माइनस वन भी लिख सकते हैं, माइनस रूट सिक्स माइनस वन भी, जो भी आपको फॉर्मेट सही लगे। पहले रूट लिखा जाता है इसलिए ऐसे भी लिख सकते हैं आप। तो अगर आपको स्टेप्स आते हैं तो ये आपके लिए मस्का एकदम चैप्टर है, बाकी और कुछ है नहीं इसमें अगर हम देखेंगे तो। थर्ड है एम स्क्वायर माइनस फाइव एम इक्वल्स टू माइनस थ्री, एम स्क्वायर माइनस फाइव एम इक्वल्स टू माइनस थ्री। तो देखूंगा एम का, मेरा एम स्क्वायर का कोएफिशिएंट वन है, हाँ है, मेरे जो ये टर्म्स हैं एम वाले लेफ्ट हैंड साइड पे हैं, सही है यहाँ पे, और कॉन्स्टेंट राइट हैंड साइड पे। तो मुझे सीधा क्या करना है, ए की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे। ए की वैल्यू कैसे, वन बाय टू इंटू हमारा एम का, हमारा जो एम वाले टर्म का कोएफिशिएंट क्या है, फाइव माइनस फाइव, लेकिन यहाँ पे आप छोड़ सकते हो। ठीक है, फाइव बाय टू का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, 25/4। अब इसे इक्वेशन वन बोल देंगे, एडिंग ऑन बोथ दिस साइड, बोथ दी साइड ऐड कर देते हैं, एम स्क्वायर माइनस फाइव एम प्लस 25/4 इज इक्वल्स टू माइनस थ्री प्लस 25/4। आइए तो मैथ से इसे सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ से मुझे स्क्वायर लिखना पड़ेगा तो यहाँ से एम लिख लूँगा, कलर चेंज करता हूँ, अब माइनस है तो माइनस लिखूँगा और स्क्वायर होने के पहले वाला टर्म दैट इज 5/2 लिख लूँगा, हो गया मेरा। अब यहाँ से इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें, तो 4 × 1 और ऊपर क्या होगा, -3 × 4 +25 × 1, तो -12 प्लस, इसे ऐसे लिखते रहूँगा 25 और 4, ये क्या होएगा 13/4 m-5/2। अब हमें m का वैल्यू निकालना है, उसकी हैसियत पता करना है, तो पहले उनके पास जो स्क्वायर है उसे हटाना पड़ेगा। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ द साइड, स्क्वायर रूट ऑफ बोथ द साइड, तो क्या होगा हमारे यहाँ से, क्या मिल जाएगा, एम माइनस 5/2 इज इक्वल्स टू प्लस और माइनस रूट में 13/4। तो रूट 13 हमें पता नहीं है, प्लस माइनस रूट नहीं, लेकिन 4 का आंसर होता है 2, एम माइनस 5/2। अब 5/2 को वहाँ भेज दूंगा, उसके दोस्त को वहाँ भेज दूंगा, प्लस टू 5/2 पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस और माइनस √13/2, तो एक बार प्लस में लिखूंगा, प्लस √13/2 और एक बार माइनस में, तो यहाँ से आ जाएगा आंसर, √13 पहले लिख लेता हूँ प्लस 5, ये एम का एक आंसर आ गया, और इसी तरह से एम का एक और आंसर -√13 है प्लस 5 है अपॉन 2, तो हमारे दो वैल्यूज आ चुके हैं। यही तो करना था हमें, बस इतना सा स्टेप है, हर एक स्टेप कहाँ से लिखना, अगर इतना याद नहीं कर सकते तो फिर आपको थोड़ा सा अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये बहुत इजी है। अब हमने पूरा क्रैक कर लिया कि ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे होते हैं वाले। अब मैं चलता हूँ फोर्थ क्वेश्चन की तरफ, थोड़ा अलग है, हर एक क्वेश्चन ये चैप्टर में, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था, 9y² माइनस 12y+2, 9y² 9y² माइनस 12y+2, इसमें हमने जो देखा था सब कुछ करना है। पहले हमें क्या देखना है कि हमारा वाई स्क्वायर वाले का जो कोएफिशिएंट वन है कि नहीं, यहाँ पे नहीं है, सो डिवाइड बाय
9 करना है आपको। सो 9 से डिवाइड करिए, 9y² / 9 -12/9y +2/9। सो यहाँ से ये तो कैंसिल, ये 3 के टेबल में आता है, 3 4 ज़ा एंड 3 3 ज़ा, ये तो कट होगा नहीं, तो क्या मिला हमको, y² -4/3y। अच्छे से लिखते रहिए, +2/9। अब हमारा सेकेंड केस क्या था कि y वाले टर्म लेफ्ट हैंड साइड में होना चाहिए इक्वल के, और हमारा कांस्टेंट राइट में, तो इसे भेजना पड़ेगा। सो y² -4/3y इज इक्वल्स टू -2/9। अब आ गया हमारा इक्वेशन नंबर 1, इसे ब्रैकेट कर लेते हैं, इसे इक्वेशन 1 बोल लेते हैं। अब हमें क्या करना है, ए की वैल्यू निकालनी है। सो ए की वैल्यू कैसे निकालते हैं, इक्वल्स टू 1/2 हमारा वाई वाले का कोएफिशिएंट, क्या है हमारा वाई वाले का कोएफिशिएंट, 4/3 ले लेते हैं। अब ये देखिए कट होगा हमारा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, सो 2 × 1 2 हो जाएगा, 3 × 1 3। अब 2/3 का होल स्क्वायर लेना है, दैट इज 4/9। अगर आपके एग्जाम में आपके सर लोग बोले कि यहाँ पे माइनस लेना, तो आप माइनस ले सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं यहाँ पे, ठीक है, माइनस ले लेना आप, चल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे बोथ दी साइड, ऑन एडिंग बोथ दी साइड, तो मेरा इक्वेशन कौन से इक्वेशन में था, वाई स्क्वायर वाला, इसे ब्रैकेट करना बहुत जरूरी, तो बच्चे क्या करते हैं इसमें ऐड करना शुरू कर देते, ये गलत हो जाएगा, आपको ये ब्रैकेट वाले में ही ऐड करना है, इसलिए मैं ब्रैकेट करवाया हूँ, वाई स्क्वायर -4/3y प्लस हमारा हो जाएगा 4/9 इक्वल्स टू -2/9 +4/9, ये हमने ऐड कर लिया। अब मैं कलर चाहिए, अब इसका हम लोग क्या करना है, बॉक्स बनाना है, तो ये देखिए स्क्वायर करना है, स्क्वायर मेथड इसी वजह से, तो वाई की वजह से वाई लिख लूंगा, माइनस है तो माइनस लिख लूंगा, और नंबर जो दूसरा आएगा वो स्क्वायर होने से पहले, तो 2/3 लिख लूंगा इसका होल स्क्वायर, और यहाँ पे इनका बेस सेम है, तो 9 - 2 + 4 ये हो जाएगा 2/9। अब मुझे ये स्क्वायर यहाँ से हटाना पड़ेगा, सो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ द साइड, ठीक है, बोथ द साइड शॉर्ट में लिखा, सो वाई -2/3 हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, +-√2/9, सो वाई इक्वल्स माइनस, सॉरी अभी लिखते हैं यहीं पे, +-√2 का कुछ पता नहीं है हमें, तो उसे अलग करेंगे, 9 का पता है 3, अब इसे यहाँ भेज दीजिए, सो वाई इक्वल्स टू, ये माइनस है तो वहाँ जाके पॉजिटिव हो जाएगा, ये ध्यान रखते रहिए हमेशा, +-√2/3, तो इसे एक बार प्लस में लिख लूंगा, एक बार माइनस में, सो वाई इक्वल्स टू 2/3 +√2/3, और वाई इक्वल्स टू 2/3 -√2/3, ठीक है। अब इसे एक बार लिख लेते हैं, अपॉन में 3 है, सो 2 + √2 और वाई इक्वल्स टू 2 - √2/3, आ गया आंसर आपका। तो √2 अगर पहले लिखने की आपकी कन्वेंशन है, तो √2 + 2 लिख लीजिए, और वाई इक्वल्स टू -√2 + 2, इस तरह से आपके वाई के आंसर आ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं हमें, क्योंकि हमें अब फॉर्मूला आ चुका है, आपको ये याद रखना है। चलते अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसी के साथ, तो ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क देता हूं, या आपको फिफ्थ वाला पूरा होमवर्क रहेगा, ठीक है, यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं क्वेश्चन अगले लेक्चर में जरूर सॉल्व करूंगा। अब सॉल्व करता हूँ जो मैं सिक्स्थ वाला, 5x² = 4x + 7, था 4x - 4x + 7, तो हमारा पहले देखना है कि जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है वो 1 है या नहीं है, तो हमारे केस में नहीं है, सो डिवाइड बाय बाय 5, सो यहाँ से x² हो जाएगा इक्वल टू 4/5x होगा +7/5। अब मुझे एक्स वाले टर्म एक साइड रखने और कांस्टेंट को एक साइड, तो इसे यहाँ बुला लेता हूँ, माइनस हो जाएगा ये,
-4/5x इक्वल्स टू 7/5, ये मेरा इक्वेशन हो चुका है। इसे मैं दूंगा नंबर 1। एक सेकेंड, अच्छे से कर लेता हूँ। अब आता है ए निकालने का वैल्यू। ए कैसे निकालते हैं, 1/2 इंटू एक्स का कोएफिशिएंट, हमारे केस में क्या है 4/5, तो अगर आप चाहें तो माइनस लिख सकते हैं या आपकी मर्जी के ऊपर है, लेकिन लिखेंगे तो भी अच्छा है, नहीं लिखेंगे तो भी अच्छा है। तो यहाँ पे स्क्वायर लेना है, सो 5 यहाँ से कट हो जाएगा, देखिए 2 2 जा, तो बचा कौन सा हमारा, -2/5 का होल स्क्वायर, दैट इज 4/25। अब चलता हूँ इसे ऐड करने पे, ऑन एडिंग बोथ दी साइड, बोथ दी साइड में आपको ऐड करना है, तो कौन से बोथ दी साइड में इक्वेशन बन के, तो x² -4/5x +4/25, और यहाँ पे से क्या होगा 7/5 +4/25। अब यहाँ पे से मैं क्या करूँगा, अब मेरा स्क्वायर रूट लिखने वाला टाइम आ चुका है, तो मैं ऊपर लिखता हूँ इसे, x से x लूंगा, माइनस है तो माइनस, और ऐड होने के पहले यहाँ पे 2/5 था, तो 2/5 द होल स्क्वायर लिख लूंगा। अब यहाँ पे देखिए एलसीएम मैं कैसे लेता हूँ, जैसे कि ये दोनों किसके टेबल में आते हो, पहला नंबर कौन है, तो वो पहला नंबर है 25 के, फिर बचा हुआ नंबर इसको 5 से इसको 25 को डिवाइड करते हैं, तो 7 × 5 + 25 को 25 डिवाइड करेंगे 1, और जो हमारा आता है 1 उससे 4 से मल्टीप्लाई। तो ये एलसीएम लेने का रियल तरीका है, लेकिन आप लोग को क्या बताया गया है कि ये ऐसे मल्टीप्लाई करना, ये ऐसे मल्टीप्लाई करना, ये ऐसे मल्टीप्लाई, तो करके भी देख लेते। देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा, तो 7 × 25 + 4 × 5 / 25 × 5, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 175 + 20, और ये हमारा 125, यहाँ से होगा 195 / 125, फिर 5 से इसे कट कीजिए, 5 3 जा, फिर 9 जा, फिर यहाँ से 25, तो वही आंसर हमारा देखिए यहाँ पे सीधा आएगा, 7 5 जा 35 + 4/25, दैट इज 39/25। तो आया ये इतना, यहाँ पे जोड़ना है, फिर यहाँ पे कट भी करना है, आप लोग के बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पे, इसलिए अवॉइड नहीं कर, ये आपको अवॉइड करना चाहिए जो आप ये लोग करते हो। ठीक है, इसे इरेज कर देता हूँ जो मैंने ये आपको एक समझाने के लिए आया था। अगर आप लोग रिक्वेस्ट करेंगे तो मैं वीडियो के इसको एलसीएम लेने के लिए, जो आपके अपॉन्स में एलसीएम कैसे लिखते हैं उसके ऊपर आपको एक डिटेल में वीडियो बना के 10 मिनट का बता दूंगा, तो लाइफ लॉन्ग आपको याद रहेगा। तो चलते हमारे इसी तरफ, तो ये रहा हमारा x-2/5 का होल स्क्वायर था, अब ये होल स्क्वायर को हटाना पड़ेगा, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ द साइड, तो यहाँ क्या बचेगा सिर्फ x-2/5, यहाँ पे प्लस और माइनस रूट में पूरा 39/25, तो √39 का कोई आंसर नहीं है, ठीक है, और 25 का 5 होता है, तो x-2/5 हो गया। अब इसे सॉल्व करेंगे, इसे यहाँ भेजेंगे, तो क्या हो जाएगा x = 2/5 प्लस और माइनस √39 हमारा 5, एक बार प्लस में लिख लेंगे प्लस में, और एक बार माइनस में, सिंपल सी बात है, और आपका सॉल्यूशन आपके हाथ में आ गया, आप पूरे मार्क्स मिल गए आपको 3 में से 3। तो कन्वेंशन है कि इसको पहले लिख लेता हूँ फिर दिखाता हूँ आपको, √39/5, क्योंकि इनका बेस सेम था, तो अब यहाँ से क्या करूँगा, √39 पहले लिख लूंगा, फिर 2 लिख लूंगा, 1/5 और x = -13, क्योंकि माइनस में है, +2/5 आ गए कि नहीं, आपको दोनों इक्वेशन आ गए, तो आप इसे आंसर में चेक कर सकते हैं कि यही है। और इसी के साथ हमारे टॉपिक भी खत्म होता है। तो आप लोग को अगर कुछ भी डाउट आई इस हमारे प्रैक्टिस सेट से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा, और जो भी अगर नए हैं तो ये हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और दोस्तों में भी अपने को बताइए आप, तो क्योंकि हम पूरा का पूरा आपका सिलेबस सितंबर तक कवर करेंगे, और सितंबर तक खत्म करने के बाद भी हम रुकेंगे नहीं, रिवीजन के साथ साथ हम और बुक्स को भी सॉल्व करेंगे और क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। तो फ्री में अगर हमें इतना कुछ मिल रहा है तो उसे लेने में क्या जा रहा है। तो आप लोग सिर्फ अपने दोस्तों को जमा करते रहिए, उन्हें शेयर करते रहिए, उन्हें सब्सक्राइब करने को बोलिए, और आप खुद भी सब्सक्राइब और लाइक करिए। तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे, बाय।